पशु पक्षी भी अपनी जाति का ही नेता बनाते हैं। हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक शत्रु ये फैलाने में सफल हो गए कि अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या क्या। ब्राह्मण्य खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। बार बार ये बात फोकस हमारे सारे महापुरुषों ने ये बात हाईलाइट की और हम लोग उसमें जकड़ते जा रहे हैं। जब तक अवेकनिंग नहीं होगा, कल्चरल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग नहीं होगा, हमारी समृद्धि भी, बहुत सारे लोग अरबपति हैं लेकिन जाके देखिए घर में क्या क्या सजाए हुए हैं, किसको पैसा चंदा दे रहे हैं। आज ही जाइए, घर के जितने पाखंड हैं, जितने आडंबर हैं, कूड़ा कचरा है, उसको प्यार से ले जाइए, जमुना जी में ले जाइए और बोलिए कि नमस्ते, बहुत ही नाच नचाए हो, डाल दीजिए उसको। अरबपति भी हो जाएंगे तो पत्थर को दूध ही पिलाएंगे, दूसरा अरबपति होने का कोई फायदा नहीं है। इशारों में बात कह रहा हूँ, समझ लेना है, मैं रेफरेंस के साथ बोलता हूँ, किसी की भावना अगर आहत हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। प्रतिनिधित्व के जनक साहू जी महाराज को नमन करता हूँ। आज इस संगठन का भी हैप्पी बर्थडे है, इसलिए तमाम टीम को बधाई, तो आज डबल डबल बधाई है। इसीलिए लगता है कि मुझे पहले ब्रेकफास्ट कराया गया, खाना है, उसके बाद आई टीवी है। हमारे मुख्य अतिथि पी उदय कुमार साहब, अनुराग जी, चौहान साहब और सभा में जितने साथी बैठे हैं, आखिर हम जयंती क्यों मनाते हैं और किसी महापुरुष को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि उनके कार्यों को समझे, जीवन को समझे और ये सिर्फ औपचारिकता न रहे, रिचुअल न रहे, उस दर्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं आज साहू जी के बारे में अंबेडकर साहब के हवाले से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मनगांव की सभा का नाम आपने सुना होगा। पहली बार अस्पृश्यों की एक बड़ी बैठक थी मनगांव में 20-21 मार्च 1920, और भारत के इतिहास में बहिष्कृत समाज की ये पहली अखिल भारतीय बैठक थी जिसमें विभिन्न कोनों से लोग आए थे और इस बैठक की अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज कर रहे थे। दो दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन अंबेडकर का भाषण है, दूसरे दिन छत्रपति साहू जी महाराज कार्यक्रम में आते हैं और जो कह रहे हैं, एक पैराग्राफ है, आप उसको सुनिए। उस कार्यक्रम में 15 प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्ताव नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, जाके किताब में आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आज मेरे प्रिय मित्र अंबेडकर ने इस सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है, उनके भाषण का लाभ मुझे मिले इसलिए मैं शिकार से लौटकर तत्काल यहां पर आया हूं। मिस्टर अंबेडकर सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां, ये छत्रपति साहू जी महाराज का स्टेटमेंट है, मैं यहां इकट्ठा सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम अपने योग्य नेता नहीं चुनते, इसलिए हम इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। मीठा मीठा बोलकर नाम कमाने के लिए हम में से कुछ स्वार्थी लोग अयोग्य नेताओं को चुन लेते हैं, ये दुर्दशा का कारण है। ये मंथन होना चाहिए, अभी ये 2022 मंथन होना चाहिए। पशु पक्षी भी अपनी जाति का ही नेता बनाते हैं। अंबेडकर को यहां वो अस्पृश्यों का नेता नहीं कह रहे हैं, सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं। पशु पक्षी भी अपनी जाति का नेता बनाते हैं, कोई चार पैरों वाला जानवर पक्षियों का नेता नहीं बना। जानवरों में भी कोई पक्षी नेता नहीं बनाया जाता। गाय, बैल और भेड़ों का नेता गरेड़िया होता है, इसी कारण आखिर में उसको बूचड़खाने जाना पड़ता है।
मतलब इसका सिंबोलिज्म समझिए, या आपका नेता कोई और होगा जिसको मैं बात कर रहा हूँ, बार बार रोज कह रहा हूँ ये बात, तो अंतिम में वो बूचर खाना ही ले जाएगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस परंपरा की शुरुआत अगर 19वीं शताब्दी से ले, फूले साहब, साहू जी महाराज, गायकवाड़, अंबेडकर, पेरियार, जिस परंपरा की शुरुआत उन्होंने की शायद हम कहीं भूल चुके हैं, और ये अंबेडकर के ज़माने में ही हो चुका था, एक भाषण का अंश 1939 का और मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इस भाषण में साहू जी महाराज कह रहे हैं कि आज उन्हें यानी अंबेडकर को पंडित की उपाधि देने में हर्ज क्या है, विद्वानों में वे एक आभूषण है, आर्य समाज, बौद्ध समाज या ईसाई खुशी खुशी उन्हें अपने में शामिल कर लेते, लेकिन वे वहां नहीं गए क्योंकि वे आपका उद्धार करना चाहते हैं, इसके लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और मैं भी हूं। मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, आपने अपना सच्चा नेता खोज लिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि अंबेडकर आपका कल्याण करेंगे, इतना ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वे सारे हिंदुस्तान के नेता बनेंगे, ऐसी मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है। यह साहू जी महाराज का 1920 का स्टेटमेंट है। 1920 से लेकर अब तक 102 बरस हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक शत्रु ये फैलाने में सफल हो गए कि अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या क्या। और भागीदारी के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का स्टेटमेंट सुनिए, अगर हमारा पूरा बहिष्कृत समाज अंबेडकर को नेता मान लिया रहता तो संसद पे आपका कब्जा होता, वो खाली कन्विंस करने में 100 साल लगाया कि अंबेडकर तो दलितों के नेता है। और इसका कारण है कि छत्रपति साहू जी महाराज और फूले ने जिस परंपरा, जिस संस्थानों की नींव डाली, हम लोग भूल गए, अपने सांस्कृतिक शत्रुओं के मकर जाल में फंसते चले गए, कोई संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं बनाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आजकल मैं सफाई अभियान पर निकला हूं, आप समृद्ध भारत बना लेंगे, सब समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन घर में अगर कूड़ा कचरा बना रहेगा तो समृद्धता आखिर जाके कहीं और ही जाके मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए घर में जितने पाखंड है आज ही जाइए, घर के जितने पाखंड हैं, जितने आडंबर हैं, कूड़ा कचरा है, उसको प्यार से ले जाइए, जमुना जी में ले जाइए और बोलिए कि नमस्ते, बहुत ही नाच नचायो, डाल दीजिए उसमें, और उसमें धम्मा को ले आइए घर के अंदर, बुद्धि विवेक ले आइए, समृद्ध भी बनेगा भारत और समृद्धि का लाभ भी आप लेंगे। इस मीटिंग में 15 प्रस्ताव पारित किए गए थे, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, एक प्रस्ताव खाली एक पढ़ देता हूं। प्रस्ताव था कि श्रीमान महाराज साहू छत्रपति सरकार इलाका करवीर ने अपने राज्य में बहिष्कृतों को समान अधिकार देकर उनका कल्याण करने का सत्कार्य शुरू किया है, उसी समय वो लागू हुआ था, इसलिए परिषद की यह राय है कि हर बहिष्कृत व्यक्ति उनके जन्मदिन को त्योहार की तरह मनाए। इसलिए कारण नहीं है कि कांशीराम जी छत्रपति जी को रीइन्वेंट करते हैं फिर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको पढ़ा जाना, रिसर्च करना, शोध करना बहुत जरूरी है। अपना इतिहास नहीं जानेंगे, शत्रुओं का लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे तो हर समय गुमराह ही होंगे। यह परिषद उन सभी राजा महाराजा और संस्थान प्रमुखों का हृदय से आभार मानती है जो बहिष्कृतों की प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद एक और मीटिंग होती है 1920 में ही, 30-31 मई और 3 दिन का है, और 3 दिन में फिर छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और सब कैसे, पिछड़ी जातियों का उद्धार कैसे हो, और उस समय ये आशंका उस समय ही जताई गई थी कि हमारे बीच से
कुछ लोग जाकर वो शिंदे के बारे में कर रहे हैं, आजकल एकनाथ शिंदे बहुत चर्चा में, उस समय कोई और शिंदे थे, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, महार ऑन होम रूल। उस समय जो प्रतिनिधि थे डिप्रेस क्लास के, वो कहते थे कि हिंदू फोल्ड में ही रह के हमारा उद्धार होगा, इसलिए हमें हिंदू लोग ही चुने, सरकार न चुने। उसी का आंसर डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। अब मैं आता हूं, चूंकि समय का अभाव है सर को, मुख्य अतिथि साहब को फ्लाइट भी पकड़ना है, 1939, उस समय से ही एक निराशा पनपने लगी थी जो आज तक बरकरार है। मैं समझता हूं कि समृद्ध भारत और समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने हमारे ये संगठन हैं, मुझे लगता है कि उस दिशा में एक अच्छा प्रयास कर रहा है, इसलिए मैं हृदय से बधाई देता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन की तरह हमने संस्थान नहीं बनाए, स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, संगठन बने बहुत चंदा मांगने वाले, काम करने वाले कम बने, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं हुआ, बौद्धिक विमर्श नहीं हुआ। इसलिए कहते तो रह गए कि बहुसंख्यक हैं, लेकिन पराजित कौम की तरह रहना पड़ रहा है। ये आइए 1939, एक पैराग्राफ पढ़ के फिर छोड़ दूंगा। 30 दिसंबर 1939 कोल्हापुर में दलित प्रजा परिषद हुई थी, और यह भाषण एक पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में सूत्र है बात समझने की। 5 पेज का भाषण है, उसमें नहीं जा रहा हूं, एक पैराग्राफ सिर्फ बता रहा हूं। बोला डॉक्टर अंबेडकर ने, ये दलित प्रजा परिषद आयोजन हुआ था कोल्हापुर स्टेट में, ये कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है, और इस बात के बारे में अस्पृश्यों को और मुझे गर्व है। बात यह है कि स्वर्गीय साहू जी महाराज ने ही कोल्हा तंत्र में जनतंत्र की नींव डाली, जनतंत्र की नींव डाली। हम गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी, हम गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी ब्राह्मण्य को नष्ट नहीं कर पाए, अपने राज्याभिषेक के लिए सोना देकर काशी से उन्होंने गंगा भट्ट को बुलाया। कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण्य को नष्टनाबूद करने में स्वर्गीय साहू जी महाराज शिवाजी से बढ़कर थे, शिवाजी से बढ़कर थे। साहू महाराज को वेदोक्त का अधिकार नहीं है, यह कहने वाले ब्राह्मणों को पुणे के लोकमान्य तिलक और पुणे की भट्टशाही का समर्थन प्राप्त है। यह जानते हुए भी साहू जी ने, छत्रपति साहू जी ने उन्हें ठोकर मार दी, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय साहू छत्रपति महाराज में कुछ बुरे गुण भी होंगे, मुझे बताइए ये कौन सा राजा निर्दोष है? केवल दोषों के देखने का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण्य खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। बार बार ये बात फोकस हमारे सारे महापुरुषों ने यह बात हाईलाइट की, और हम लोग उसमें जकड़ते जा रहे हैं। जब तक अवेकनिंग नहीं होगा, कल्चरल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग नहीं होगा, हमारी समृद्धि भी, बहुत सारे लोग अरबपति हैं, लेकिन जाके देखिए घर में क्या क्या सजाए हुए हैं, किसको पैसा चंदा दे रहे हैं, पता लग जाएगा। ब्राह्मण ने नष्ट करने की उन्होंने जोरदार कोशिश की, इसी में उनका बड़प्पन है। स्वर्गीय साहू छत्रपति ने समाज में व्याप्त विषमता को नष्ट करने की कोशिश की और ब्राह्मण का किला ढा दिया। आज हम लोग समाज से एक सवाल है, ये किला हम लोग ढा रहे हैं कि किला में ईंट और सीमेंट लगा रहे हैं? किला में ईंट सीमेंट लगा रहे हैं कि ढा रहे हैं? छत्रपति साहू जी ने, ये डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट, कहते हैं कि ब्राह्मण ने का किला ढा दिया, यह कोई छोटी बात नहीं। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत स्वर्गीय छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में मनगांव, जिसकी चर्चा मैंने पहले की,
मनगांव में की परिषद में उनके आदर्श के पालने से हुई, यह मुझे यहां बताना ही पड़ेगा। उन्हें और मुझे जो प्रिय है, उन्हें और मुझे जो प्रिय है अर्थात समानता का विचार के प्रचार के लिए उन्होंने मुझे 2500 रुपए देकर हमेशा के लिए अपना ऋणी बनाया। मूक नायक चलाने के लिए 2500 रुपया दिए थे उस जमाने में, उसका ऋणी बनाया। और ये 1940 में है और उस समय ये पूरा आंकड़ा देते हैं कि कैसे जो आइडिया छत्रपति साहू जी महाराज का है वो डिटोरिएट हुआ और इसमें कितने पैसे किसके हॉस्टल में मिलते हैं, सारा आंकड़ा दिया हुआ है कि इसमें आर्य समाज छात्रावास को 5000 रुपये, वैदिक छात्रावास को 36000, मराठा को 11314, मुस्लिम छात्रावास को 9460 और जो अस्पृश्यों का छात्रावास है उसको दो छात्रावासों को 1325 रुपये मात्र। और आंकड़ा देते हैं कि जनसंख्या का कि 9,97,000 हैं, इसमें 8,66,000 हिंदू हैं, 1,10,000 अस्पृश्य हैं, 41,866 मुसलमान हैं और मोटे तौर पे देखा जाए तो 11% अस्पृश्य हैं और उसमें से सिर्फ 481 ही नौकरी में हैं, मतलब दरबार के नौकरी में, और उसमें से ज़्यादातर झाड़ू वाले, घोड़े वाले, नाल ठोकने वाले आदिहीन तबके की नौकरियां में ही है। यह बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि इसका कारण क्या है, हम एक लाइन में इसको शॉर्ट कर रहे हैं, कहते हैं आखिर में मैं महाराज को दो बातें बताना चाहता हूं। देखिए महाराज शासन नहीं चलाते हैं, सचान साहब हैं, पता है रेल मंत्री साहब कुछ नहीं देखता है, ब्यूरोक्रेसी देखता है, ब्यूरोक्रेसी उसमें नुकता जोड़ तोड़ करता है, हेराफेरी भी करता है, मंत्री को कन्विंस भी कर देता है। कहते हैं कि दो बातें बताना चाहता हूं, या तो वे खुद राज्य की बागडोर संभालें या प्रजा को सारे अधिकार देकर जनतंत्र स्थापित करें, प्रजा को नौकरशाही के हवाले बिल्कुल ना करें। नौकरशाही में सजान साहब क्या परसेंटेज है हमारा, उस समय क्या रहा होगा, कौन लोग रहे होंगे नौकरशाह, दीवान और मुनीम कौन लोग रहे होंगे। तो अंबेडकर इशारा कर रहे हैं कि नौकरशाही की वजह से यह हाल है कि नौकरशाही पे बिल्कुल भरोसा न करें, या तो सत्ता खुद संभालें या अधिकार जनता को देके आप जनतंत्र स्थापित करें। लब्बो लुआब यह है कहने का कि जो परंपरा फूले और साहू जी महाराज तमाम, देखिए अंबेडकर साहब या कांशीराम जी को देखिए, अंबेडकर साहब के गुरु कौन है, फुले साहब हैं, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बड़ौदा महाराज है, यहाँ आने पर सपोर्ट कौन कर रहा है, साहू जी महाराज है, उस सबको अंबेडकर बहुत उच्चता से मतलब याद करते हैं अपने पूरे भाषण में। मैं YouTube चैनल चला रहा हूँ अंबेडकर नामा, उसमें बहुत सारे मैंने बनाए हैं एपिसोड इस पे। और ये 100 साल का अंतराल देखिए कि हम कोई कल्चरल रेसिस्टेंस नहीं दे पाए सेंट्रल इंडिया के इधर, उसी सांस्कृतिक ताने बाने और जाल में फंसे हुए हैं, उसमें फंसे भी रहेंगे तो ऐसा है अरबपति भी हो जाएंगे तो पत्थर को दूध ही पिलाएंगे, तो सर अरबपति होने का कोई फायदा नहीं है। इशारों में बात कह रहा हूं समझ लेना है, मैं रेफरेंस के साथ बोलता हूं, किसी की भावना अगर आहत हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भारत सरकार ने किताब छापा है, मैंने नहीं छापा है। और बहरहाल आप लोग जो प्रयास जिस दिशा में कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, अंबेडकर जो हॉस्टल खोले थे एक कमरे से खोले थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक कमरे से, तो जो अभी देख रहा हूं हम लोग तो एयर कंडीशन में बड़े हॉल में बैठे हुए हैं, तो जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं 20 साल 50 साल काम कीजिए इसका नतीजा, 50 साल मैं तो 10-15 साल नौकरी है, 15 साल तो इसी में सफाई अभियान पे हूं, सिर्फ यही काम करना है मुझे। हमारे लोगों में बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है सांस्कृतिक सफाई अभियान करना। शुक्रिया, जय भीम, जय साहू जी महाराज।